उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बंगाल, बिहार, दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक आज से लेकर 1 मई तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति बनने की संभावना है। वहीं UP, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ तूफान आ सकता है। इस दौरान ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में भी आज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब, हरियाणा में भी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन दिनों मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। आंधी बारिश से पहले ही किसानों की फसल खराब हो चुकी है। वहीं आंधी से बागवानी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हीट वेव का असर किसानों के पशुओं पर दिखाई दे रहा है, जिससे उनके दूध उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि किसान भाइयों के लिए कृषि विभाग की ओर से लगातार परामर्श जारी किया जा रहा है, ताकि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके।